Hi friends, मैं हूँ रिया and welcome to my channel Missed Classes Masters in Student Training. हमने last class में सीखा balance sheet as per Companies Act 2013 बनाना. उसके साथ ही हमने discuss किया CBSE Circular Number 43 2013 जिसके according 7 items हैं हमारी balance sheet में जिसका accounting treatment हमारे syllabus में नहीं है. बस उसका format हमें learn करना है. चलिए कुछ flashback देखते हैं हम अपनी last class के. CBSE Circular Number 43-2013, the accounting treatment of the following items will not be evaluated in the board exam. Treatment हमें नहीं पढ़ना है, उन items को हम अपनी balance sheet में mark कर देते हैं. लेकिन हमें mark करना है मतलब pending allotment, फिर हमारा हुआ deferred tax liability, फिर other long term liabilities, चार यहाँ पे हो गए, फिर capital work in progress, intangible asset under development and deferred tax asset, तीन यहाँ पे. 4 + 3 = 7. टोटल 7 आइटम्स प्रूफ करने का कि हमें फॉर्मेट पूरा लर्न करना है. ये भी पूछ सकता है कि हेडिंग्स बताइए जिसमें हमारे फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड है, तो हमें बतानी पड़ेगी. तो ये था फ्लैशबैक हमारी प्रीवियस क्लास का. अगर अभी तक आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए. इसका लिंक आपके YouTube के ये आई सेक्शन में भी आ रहा होगा. जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड वीडियोस दिख जाएंगी. इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा. चलिए तो अब हम बात करते हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स की. नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे शो करते हैं. जैसे कि हमने जब अपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखा था तब हमने देखा था कि पर्टिकुलर्स के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम कौन सा आता है. नेक्स्ट कॉलम होता है हमारा नोट नंबर का. अब इस होता क्या है, हमारी बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा समराइज होती है. जैसे कि शेयर कैपिटल है, राइट. अब हमें शेयर कैपिटल की डिटेल्स दिखानी है, तो वो डिटेल्स हम कैसे लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट में. यहाँ पे हम लिख देंगे शेयर कैपिटल के आगे दैट हमने इसको कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नोट नंबर 1 में मेंशन किया हुआ है. और उसके बाद जब हमारी बैलेंस शीट एंड होगी उसके एंड में हम हेडिंग डालेंगे नोट्स टू अकाउंट्स एंड ए वन बाय वन सारे के सारे नोट्स टू अकाउंट्स वहां पे मेंशन करेंगे. जैसे कि हमने शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स कौन सा बनाया, 1. रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 2 बना लेंगे. मनी रिसीट अगेंस्ट शेयर वॉरंट्स का हमारे सिलेबस में नहीं है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसलिए इसको नहीं लेंगे. फिर शेयर एप्लीकेशन में मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे इसलिए भी इसको भी नहीं लेंगे. फिर आते हैं हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज. नॉन करंट लाइबिलिटीज में आती है सबसे पहले हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसका नोट नंबर 3 बना लेते हैं. उसके बाद डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है हमारे सिलेबस में, इसको भी नहीं लेंगे. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इसको भी नहीं लेंगे. लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसका भी हम बना लेते हैं नोट नंबर 4. उसके बाद आती है हमारी करेंट लाइबिलिटीज. करेंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसका हम बना लेते हैं नोट नंबर 5. उसके बाद है ट्रेड पेबल्स, उसका बना लेते हैं नोट नंबर 6. उसके बाद है हमारे अदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जिसका हम बना लेते हैं नोट नंबर 7. फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जिसको हम लिख लें नोट नंबर 8 से. उसके बाद है हमारे टोटल. टोटल के बाद स्टार्ट होती है हमारी असेट्स. असेट्स में सबसे पहले कौन सी है हमारी, नॉन करंट असेट. नॉन करंट असेट में सबसे पहले हमारा फिक्स असेट. फिक्स असेट में भी सबसे पहले हमारा कौन सा है, टैंजिबल असेट. तो हमने यहाँ पे कितने नोट नंबर बन गए थे, 8. तो अब हम टैंजिबल असेट को नोट नंबर 9 कर देंगे. फिर हमारा इनटैंजिबल असेट नोट नंबर 10. फिर आते हैं हमारा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट. इसके आगे हमने स्टार बना हुआ है, मतलब ये हमारे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके लिए हम कोई नोट्स नहीं बनाएंगे. फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 11. फिर आते हैं हमारे डेफर्ड टैक्स एसेट, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको भी स्किप कर देंगे. फिर आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जिसको हम देंगे नोट नंबर 12. अदर नॉन करेंट एसेट्स को देंगे नोट नंबर 13. करंट इन्वेस्टमेंट्स को देंगे नोट नंबर 14. इन्वेंट्रीज नोट नंबर 15. ट्रेड रिसीवेबल्स नोट नंबर 16. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नोट नंबर 17. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नोट नंबर 18 एंड अदर करंट एसेट्स नोट नंबर 19. और इसके बाद हमारे आ जाता है टोटल. तो हमारे टोटल, हमें टोटल कितने नोट नंबर सीखने हैं, हमें टोटल 19 नोट नंबर सीखने हैं जो कि हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में सीखेंगे. तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले नंबर हमने किसको दिया था, शेयर कैपिटल. तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, शेयर कैपिटल. हम ऐसा करेंगे कि नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट इस साइड लिखेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन इस साइड करेंगे. शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले आती है ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी भी कहते हैं.
ये कैपिटल ऑथराइज होती है मेमोरेंडम ऑफ कंपनी से. मेमोरेंडम ऑफ कंपनीज क्या होता है, हर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने कंपलसरी होते हैं अपने लाइफ टाइम में. उसमें से एक डॉक्यूमेंट है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो उस मेमोरेंडम में ये मेंशन करना जरूरी होता है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है. ये कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि एक कंपनी इशू कर सकती है अपने लाइफ टाइम में. उसके अलावा ऑथराइज कैपिटल को हम सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में. इसके अलावा जब हम इसको ऑथराइज कैपिटल को अपनी बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं तो हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज के, तो हम इसे लिखेंगे 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. मतलब हमारा टोटल शेयर्स कितने के हुए, 1,00,000 रुपीज के. लेकिन इसका टोटल कभी भी हमारी बैलेंस शीट के टोटल में ऐड नहीं होता है. इसको हम यहीं के यहीं क्या कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं डबल लाइन से. ये सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, इसका टोटल हमारी बैलेंस शीट के टोटल में ऐड नहीं होता है. ऑथराइज कैपिटल के बाद नेक्स्ट आती है हमारी इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए इशू करती है, वो क्या कहलाती है, हमारी इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल हमारी ऑथराइज कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो हो सकता है कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हो, या फिर हो सकता है 10,000 में से अभी कंपनी ने सिर्फ 8,000 शेयर्स ही इशू करे हो. तो हम यहाँ पे देखेंगे इशूड कैपिटल 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. ऑथराइज कैपिटल की तरह इशूड कैपिटल का टोटल भी हमारी बैलेंस शीट में ऐड नहीं होता है. इसको भी हम सिर्फ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शो करते हैं और इसके टोटल को यहाँ पे डबल लाइन से एनक्लोज कर देते हैं. नेक्स्ट होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ये इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो कि जनरल पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, मतलब परचेज कर लेती है. सब्सक्राइब कैपिटल फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, वाइल सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. ये दोनों पार्ट्स हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हमने इशू कितने करे थे शेयर्स, हमने 8,000 शेयर्स इशू करे थे 10 रुपीज के. अब एग्जांपल हमारा क्या कहता है, इन 8,000 शेयर्स में से 7,000 शेयर होल्डर्स ने पूरा अमाउंट पे कर दिया, 7,000 शेयर होल्डर्स पे फुल अमाउंट, वाइल 1,000 शेयर होल्डर्स पे रुपीज 8 ओनली, 1,000 शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 रुपए पे किए. तो अब हम इसे कैसे शो करेंगे अपने बैलेंस शीट में, हम दिखाएंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मतलब उन शेयर होल्डर्स को दिखाएंगे जिन्होंने सब्सक्राइब करा और पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया. कितने शेयर होल्डर्स ने पे सब्सक्राइब किया, पूरा पैसा पे कर दिया, 7,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो हमारे भार कितने आ गए, 70,000. उसके अलावा 1,000 शेयर होल्डर्स पेड ओनली रुपीज 8. 1,000 शेयर होल्डर्स ने कितने पे करे, सिर्फ 8 रुपीज. मतलब यहाँ पे 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 8 ईच और कॉल्ड अप कितना था, मतलब हमने पैसे कितने मांगे थे उनसे, 10 रुपीज मांगे थे. तो इनके हमारे पास कितने आए, ओनली 8,000. बाकी 2,000 क्या होगा, मतलब कितने पे नहीं करे, कितने लोगों ने पे नहीं करे, 1,000 शेयर होल्डर्स ने 2 रुपीज पे नहीं करे, मतलब 2,000 रुपीज पे नहीं करे. ये 2,000 रुपीज हमारे कराएंगे कॉल्स इन अरेस्ट. और बैलेंस शीट में हम इसे लेस करके दिखाएंगे, लेस कॉल्स इन अरेस्ट 2,000 रुपीज. और इसका टोटल हम अपनी फाइनल बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे. ये 78,000 का टोटल हमारा कहाँ चला जाएगा, ये 78,000 का टोटल हमारा चला जाएगा हमारी मेन बैलेंस शीट में. वहां पे दिखाते थे ना शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल के आगे हम कितना अमाउंट लिखेंगे, शेयर कैपिटल के आगे लिखेंगे हम 78,000. आई होप आपको ये समझ आया होगा. नोट नंबर 2 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसके अलावा आपको जिन जिन टॉपिक्स में डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए.